आओ गांधी को ढूंढें, स्वराज एक्सप्रेस की मुहिम है जिसमें छत्तीसगढ़ में गांधी की सोच और विचारों से प्रभावित होकर काम करने वालों को पहचान कर उन्हें सम्मानित करना है। स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने 2 अक्टूबर से इस अभियान को शुरू किया। प्रदेश भर में गांधी से प्रेरित होकर समाज की बेहतरी में अपना जीवन खपाने वाले लोगों की प्रविष्टियां बुलाई। इन प्रविष्टियों में से चयन का जिम्मा 5 गांधीवादियों की जूरी को दिया गया है। ये सदस्य हैं समाज सेवक गौतम बंदोपाध्याय, राजनीति शास्त्र की प्रोफेसर डॉक्टर अनुपमा सक्सेना, रिटायर्ड प्रोफेसर उषा रानी मिंज, डॉक्टर विक्रम सिंघल और श्रीमती जेबा असद हैं। 5 सदस्यों में ने आई प्रविष्टियों में से ऐसे लोगों को चुना है जिनके काम और जीवन में गांधी की सबसे ज्यादा छाप नजर आती है। इसके लिए जूरी के सदस्यों के बीच कई दौर तक, कई महीनों तक मंथन चला। जूरी ने चयन के आधार पर ऐसे मूल्य तय किए जिन्हें लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता है। ये मूल्य थे धर्मनिरपेक्षता, बराबरी, सामाजिक सद्भाव, अहिंसा और प्रतिरोध। आओ गांधी को ढूंढो के पीछे स्वराज एक्सप्रेस की सोच है कि इन लोगों के योगदान से समाज वाकिफ हो, इन लोगों के काम से समाज प्रेरित हो। तो आपने सुना होगा कि डॉक्टर को देवता कहा जाता है, लेकिन हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी डॉक्टर से जिसे देवी कहा जाता है। अंबिकापुर के मिशन अस्पताल की डॉक्टर बियाट्रीज, केरल और विदेश छोड़कर जिन्होंने लोगों की इलाज के जरिए सेवा करने के लिए अंबिकापुर को चुना। मध्य प्रदेश के सबसे दूरस्थ इलाके अंबिकापुर में उन्होंने ऐसा इस कदर लोगों की सेवा की है कि लोग एक समय बड़े इलाजों से, बड़े शहरों से इलाज कराने के लिए यहाँ पर आते हैं और जब जब अन्याय हुआ वो प्रतिरोध दर्ज कराने सड़कों पर उतरी। इसी पर एक खास रिपोर्ट। सिस्टर बियाट्रिस यानी डॉक्टर अन्नम्मा माडुकाइल लुका, केरल की रहने वाली डॉक्टर बियाट्रिस 82 साल की उम्र में भी सक्रिय हैं। कोरोना की वजह से इलाज नहीं कर पा रही हैं, तो मरीजों की काउंसलिंग कर रही हैं। ताउम्र डॉक्टर बियाट्रिस ने दीन दुखियों का इलाज करके उनकी सेवा की। गांधी जी मानव जीवन को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। डॉक्टर बियाट्रिस ने मानव सेवा में अपना पूरा जीवन दे दिया। उन्होंने अपने जीवन में 1,00,000 से ज्यादा ऑपरेशन करके लोगों को जीवन दिया। इस बात पर आज यकीन करना मुश्किल है कि डॉक्टर बियाट्रिस की वजह से इलाज कराने के लिए किसी समय में रीवा, बिहार, नागपुर, बिहार और पूर्वी यूपी से अंबिकापुर आते थे। 1976 हमने इस हॉस्पिटल स्टार्ट किया। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द हॉस्पिटल, उस समय से हमारा मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और चीफ सर्जन रहा और अभी भी कैरियरत है। और उन्होंने कई नियरली 1,00,000 सर्जरीज, मेजर माइनर सर्जरीज टुगेदर किए हैं। वो आसपास के सभी इलाकों के पेशेंट्स को, सिस्टर डॉक्टर बियाट्रिस के साथ में हम सभी सिस्टर लोग, हमारा पूरा जिंदगी हमने उसी के लिए, मरीज का सेवा के लिए बिताया। हमारा घर द्वार छोड़ करके, हमने इधर आ करके, हमको बहुत खुश है कि हमारा जीवन दूसरों को जीवन दे सकेगी। रीवा से आते थे पेशेंट इधर, रायगढ़, जसपुर बहुत लोग आते थे, पूरा बिलासपुर उधर सब चारों तरफ से मरीज लोग आते थे। डॉक्टर बियाट्रिस गांव में जाकर लोगों के लिए कैंप लगाती थी, कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी घर के पास। उनकी एक सराहना करता हूँ कि मानवता पर बड़ा विश्वास करते हैं और सबको अपना भाई बहन के रूप में देखते हैं। और उनका एक कहावत मैं आज बोलूँगा, जब एडमिनिस्ट्रेशन कभी मना करता था कि इनको इस पेशेंट को अस्पताल में ना लिया जाए, क्यों, क्योंकि ये बहुत गंभीर है और इसको दूसरे अस्पताल में जगह नहीं दिया गया, आपके यहाँ क्यों देंगे, तो कहती थी ये गरीब हैं इसलिए नहीं लिया गया, और ये लोग, इनको अगर हम लोग अपने अस्पताल में एडमिट ना करके इलाज ना कराए तो कहाँ जाएंगे। डॉक्टर बियाट्रिस सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं करती हैं, बल्कि ऑपरेशन करने से पहले या बाद में उस मरीज के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। डॉक्टर बियाट्रिस का निजी जीवन बेहद
सादगीपूर्ण है। वे हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द के लिए लोगों के साथ खड़ी रहने वाली महिला है। और इसके साथ इस बुलेटिन में